हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडी जैकेट, बेबी स्वेटर, फ्रॉक, शॉल, कैप, किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पर ऐसा दिखता है। ए डिजाइन जस्ट 8 रोज का डिजाइन है। इन्हीं 8 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए 9 मल्टीपल में फंदा लेना है, +2 +2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 9 +2 +2। ए डिजाइन राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो वाना आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। इस पे मैंने 9 मल्टीपल करके 18 +2 +2 कर लिया है, टोटल 22 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2। फिर धागा पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, 1 2। अब इस तीन फंदा को 3 फंदा ही बनाना है पीछे की साइड से। इस तरह से 3 फंदों में से 3 फंदा ही बनाना है पीछे की साइड से, 1 या नंबर 2। फिर इसे होल में नीडल डालना है, 3 फंदों में से 3 फंदा ही बनाया। फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, फिर 3 फंदों में से 3 फंदा ही बनाना है पीछे की साइड से, 2 फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2। धागा पीछे, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। अब इस 3 फंदा को 3 फंदा ही बनाना है पीछे की साइड से, 1। फिर यहाँ नंबर 2। फिर इसी होल में नीडल डालना है, 3 फंदों में से 3 फंदा बनाया। फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2। धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेकेंड रो रॉन्ग साइड, सेकेंड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे करना है, 2 फंदा सीधा, 1 2। फिर धागा आगे कीजिए, 7 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा सीधा, 7 फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, 1 2। फिर धागा आगे कीजिए, 7 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, 1 2। धागा आगे कीजिए, 1 फंदा उल्टा। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। हर रॉन्ग साइड आपको सेम रो 2 के जैसा ही बुनना है। आप थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2। फिर धागा पीछे कीजिए। अब इस 3 फंदों में से 3 फंदा ही बनाना है पीछे की साइड से, 1। फिर यहाँ नंबर 2। फिर इसी होल में नीडल डालना है, 3 फंदों में से 3 फंदा बनाया। फिर बीच में 1 फंदा सीधा। फिर से इस 3 फंदा बनाना है पीछे की साइड से, इस तरह से, 1। फिर यहाँ नंबर 2। फिर इसे होल में नीडल डालना है, 3 फंदों में से 3 फंदा बनाया।
एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों में से तीन फंदा बनाया, एक फंदा सीधा, फिर से तीन फंदों में से तीन फंदा बनाया। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए। अब इस तीन फंदों में से तीन फंदा बनाना है इस तरह से, एक यान ऊपर, दो तीन, तीन फंदों में से तीन फंदा बनाया, फिर बीच में एक फंदा सीधा, फिर से तीन फंदों में से तीन फंदा बनाना है पीछे की साइड से, एक यान ऊपर, दो तीन, तीन फंदों में से तीन फंदा बनाया। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो, फोर रो सेम रो टू के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, सात फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः सात। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा, सात फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, सात फंदा उल्टा, एक दो तीन तीन चार पाँच छ सात। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। थर्ड रो भी बुन के फोर रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ रो, फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो। अब इस तीन फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, तीन फंदा को तीन फंदा ही बनाना है पीछे की साइड से, एक फिर यहाँ ऊपर दो, फिर इसी होल में नीडल डालना है तीन, तीन फंदों में से तीन फंदा बनाया, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, फिर तीन फंदों में से तीन फंदा बनाया, दो फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो। अब इस तीन फंदों में से तीन फंदा बनाना है पीछे की साइड से, एक फिर यहाँ ऊपर दो, फिर इसी होल में नीडल डालना है तीन, तीन फंदों में से तीन फंदा बनाया, दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सिक्स रो, सिक्स रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, सात फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात सात। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा, सात फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, सात फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात।
एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। सिक्स रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, सात फंदा सीधा। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा। सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप एट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, सात फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा, सात फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, सात फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। एट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट एट रोज का है। इन्हीं एट रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। आप यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो एट तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।